ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। सोमवार को सुबह 5 बजे हुई भारी बारिश से राजधानी देहरादून भी अछूता नहीं रहा। आलम यह था कि देहरादून के कई क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण लोगों को आकस्मिक व दैवीय आपदा से जूझना पड़ा। यहां तक कि लोगों के घरों में 4 से 5 फीट तक पानी जमा हो गया और घरों में रखे सामान का भारी नुकसान हुआ। ऐसा ही एक मामला संज्ञान में आया है। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ किराए पर गुजर बसर करने वाले जगत सिंह रावत के साथ। रावत ने बताया कि जब वह सुबह गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार से पानी उनके घर में घुस गया। जब तक वह कुछ समझ पाते, तब तक घर में रखा सामान पानी की भेंट चढ़ गया। यहाँ तक कि रावत के घर में ना ही तो खाने पीने का सामान बचा है और ना ही रात बिताने के लिए बिस्तर। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस परिवार की ओर झांकने की कोशिश तक नहीं करी। सहायता तो दूर की बात। वहीं कैंट विधानसभा क्षेत्र के मसीहा कहे जाने वाले वरिष्ठ विधायक हरवंश कपूर ने भी इस पीड़ित परिवार को देखना भी मुनासिब नहीं समझा, जबकि ऐसी विपदा के समय जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह अपने जन समर्थकों की आगे बढ़कर सहायता व मदद के लिए हाथ बढ़ाए। जब पीड़ित परिवार को जनप्रतिनिधियों से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली, तो ये परिवार अपने नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहा है। अब प्रशासन इस पीड़ित परिवार के नुकसान की भरपाई कर पाता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज सुबह बहुत बारिश हुई, रात को मेरे घर में बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ किराए में रहता हूँ जगड़ू जी के यहाँ दीप लोक कॉलोनी में, बहुत सारा आंधी तूफान के कारण जो है घर में पानी घुस गया। हमारे पास रजाई गद्दे सब भीग गए, सारे फ्रिज शॉर्ट हो गए, जो बच्चों के छोटे छोटे कपड़े थे वो सारे शॉर्ट बह गए। और हम जो है अभी तक सफाई कर रहे हैं। यहाँ देखे जो सबूत दिख रही है बारिश की, रजाई गद्दे, हमारे पास सोने के लिए बिस्तर तक नहीं है। तो बारिश का सुबह इतना पानी हमारे घर के अंदर घुस गया कि हमारा सब सामान बर्बाद हो गया। हमारा बेड, बिस्तर, रजाई गद्दा सब बर्बाद हो गया। यहाँ पे अभी तक कोई देख नहीं आया। हम सुबह से यहाँ पे सफाई में लगे, कम से कम 4-5 घंटे लगे हम लोगों को यहाँ पे सफाई करते हुए, लेकिन कोई देख नहीं आया। यहाँ पे तो बड़ी दिक्कत हो गई हम लोगों को। सब सामान हमारा, सब्जी सुब्जी खाना पीना सब बर्बाद हो गया। वहाँ पे ज्वेलरी थी मिसिज की, कान की, वो टॉप्स भी निकल गए। रात में उसने उतारे थे सोते समय, वो भी पानी में पड़ने कहाँ बह के चले गए। और बड़ी हम लोगों को बड़ी समस्या हो रखी है। यहाँ पे हम लोग बहुत परेशान है, सुबह से कोई देखने भी नहीं आया। यहाँ पे देहरादून से श्रमिक मंत्री के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।